पुलिस को सशक्त करने की दिशा में हो रही है। मुझे आशा है कि आज पुलिस कांग्रेस के माध्यम से आप सभी व्यापक विचार विमर्श और सार्थक चर्चाओं द्वारा पुलिसिंग तथा आंतरिक सुरक्षा के अतिरिक्त साइबर सिक्योरिटी, डेटा थेफ्ट की रोकथाम हेतु महत्वपूर्ण सुझाव इसमें प्रस्तुत करेंगे। आप सबका जो मंथन होगा, उत्तराखंड पुलिस ने साइबर अपराध की रिपोर्टिंग के लिए ई सुविधा मामलों के त्वरित निस्तारण बल देने के साथ ही जन जागरूकता अभियानों से जनता को भी लगातार सचेत करने का काम किया है। लोगों को सुविधा प्रदान करने हेतु उत्तराखंड पुलिस ने विभिन्न एप्लीकेशंस लॉन्च किए हैं, जिनके द्वारा प्रभावी पुलिसिंग की व्यवस्था सुनिश्चित हुई है। उत्तराखंड पुलिस द्वारा ऑपरेशन मुक्ति के तहत ऐसे बच्चे जो स्कूल जाने के बजाय भीख मांगने, कचरा इकट्ठा करने तथा अन्य छोटे काम करने की के लिए मजबूर थे, उनकी पहचान करने के लिए एक समर्पित टीम उत्तराखंड पुलिस ने तैयार की है और इस कार्यक्रम के तहत हजारों बच्चों का पुनर्वास सुनिश्चित किया गया है तथा उन्हें स्कूलों में दाखिला दिलाने के साथ ही इस अभियान का ध्येय वाक्य अब भिक्षा नहीं शिक्षा देने को साक्षरता प्रदान की गई है। आदरणीय गृहमंत्री जी के द्वारा पिछली बैठक में आपने आतंकवाद की कमर तोड़ने का आह्वान करते हुए राष्ट्रीय आंतरिक सुरक्षा नीति बनाए जाने की बात कही थी और आपके नेतृत्व में चाहे आज आतंकवाद हो, नक्सलवाद हो या जिहाद हो, आतंकवाद लगभग देश के अंदर उसका सफाया हो गया है। उत्तराखंड में वन संपदा 71% से अधिक है और पूरा राज्य एक तरह से वनों से आच्छादित राज्य है। और एक मेरा सुझाव भी है कि वनों की सुरक्षा में लगे जो वनकर्मी हैं उनको अत्याधुनिक शस्त्र चलाने तथा अर्धसैनिक बलों की भांति उनको भी ट्रेनिंग की आवश्यकता है। इसके साथ ही मेरा मानना है कि सीमांत क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए पुलिस को और आधुनिक संसाधनों से सुसज्जित करना होगा, क्योंकि हमारा राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से भी लगा है। ऐसी स्थिति में सीमा पार से होने वाली अवैध तस्करी, अवैध हथियारों की तस्करी, मानव तस्करी, ड्रग्स की तस्करी जैसी समस्याओं को रोकने के लिए पुलिस की भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाती है। इस संबंध में भी मेरा सुझाव होगा कि आप सब लोग इस चिंतन में, अपने मंथन में इसको भी जरूर अवश्य इसको सम्मिलित करेंगे। उत्तराखंड की पुलिस आंतरिक सुरक्षा के साथ ही प्राकृतिक आपदाओं तथा धार्मिक पर्यटन